एक ऐसा स्पेशल ऑर्गेनेल है हमारे सेल के अंदर जो mRNA और tRNA को रीड करके हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करता है। ये स्ट्रक्चर भी RNA से मिलकर बना हुआ होता है, पर इसमें बहुत ही स्पेशल प्रोटीन का कॉम्बिनेशन भी होता है। ये स्पेशल ऑर्गेनेल जो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है हमारे शरीर के अंदर, इसे राइबोसोम कहते हैं, यानी हमारे शरीर में प्रोटीन की फैक्ट्री। एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं राइबोसोम के बारे में। देखिए, हम सब ये जानते हैं कि हम मनुष्यों के अंदर जो सेल पाई जाती है उसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, और बैक्टीरिया जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, जिसमें सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। जो यूकैरियोटिक सेल होती है, जैसे हम मनुष्यों में, प्लांट्स में, इनमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो 80S प्रकार का होता है। वही सिंगल सेल और बैक्टीरिया वगैरह में पाया जाने वाला राइबोसोम 70S प्रकार का होता है। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये एस क्या है, ये 70S क्या है, ये 80S क्या है। देखिए, ये एस स्पेड वर्क कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है, जो एक टाइम का यूनिट है। देखिए, जब भी हम कोई ब्लड सैंपल वगैरह लेते हैं टेस्ट के लिए, तो उसे सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब में रखकर उसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं, यानी घुमाते हैं। कुछ सेकंड के बाद होता यह है कि ब्लड में मौजूद जितने भी सॉलिड तत्व होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स वगैरह, जो भी, वो सब एक निश्चित समय तक घुमाने के बाद उसी परख नली में नीचे जाकर बैठ जाते हैं। वो पर्टिकुलर टाइम, जिस टाइम पर वो सारे के सारे सॉलिड पार्टिकल्स जब नीचे सेडिमेंट के रूप में बैठ जाते हैं, तो उसे स्वेडबर्ग कांस्टेंट के रूप में नापा जाता है। और एक स्वेडबर्ग कांस्टेंट में 10^-13 सेकंड्स होते हैं। अब देखिए, हमारे न्यूक्लियस में मौजूद जो न्यूक्लियोलस होता है, उसमें एक स्पेशल किस्म का जीन सिक्वेंसिंग वाला डीएनए होता है, जिसे राइबोसोमल डीएनए कहते हैं। राइबोसोमल डीएनए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू आरआरएनए का निर्माण करता है, यानी राइबोसोमल आरएनए। और जो आरएनए निर्मित हुआ है वो 45S प्रकार का होता है, यानी 45 स्वेडबर्ग कांस्टेंट का। ये 45S प्रकार का आरएनए तीन भागों में टूट जाता है। उसके बाद ये 28S, 5.8S और 18S आरएनए में टूट जाता है। और ध्यान रहे, यहाँ पर S स्वेडबर्ग कांस्टेंट है। एक स्पेशल किस्म का 5S प्रकार का आरएनए दरअसल न्यूक्लियस में बनता है, वो भी इसी आरआरएनए का ही पार्ट होता है, और राइबोसोम में अपना रोल प्ले करता है। अब देखिए, होता यह है कि न्यूक्लियस के बाहर ही एक स्पेशल किस्म का आरआरएनए की मदद से प्रोटीन की संरचना होती है, जिसे राइबोसोमल प्रोटीन कहते हैं। होता यह है कि 28S, 5.8S और 5S प्रकार का आरएनए जो न्यूक्लियस के अंदर बना है, वो आपस में जुड़कर और इस राइबोसोमल प्रोटीन के साथ जुड़कर राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट का निर्माण कर लेते हैं। आपको बता दें कि राइबोसोम दो मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है, दो सब यूनिट से। वही 18S प्रकार का आरएनए इस प्रोटीन के साथ मिलकर राइबोसोम का स्मॉल यूनिट का निर्माण करता है। और ये दोनों ही यूनिट जब न्यूक्लियस से बाहर निकलते हैं, तो mRNA के ऊपर आकर अटैच होकर प्रोटीन सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करते हैं, tRNA के साथ कंबाइन होकर। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है राइबोसोम हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि यही अमीनो एसिड को रीड करके प्रोटीन सिंथेसिस में अपना सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात मैंने इतने छोटे से समय में समझा पाने में सक्षम हो पाया हूँ।